चुंबन के पीछे एक पूरा विज्ञान होता है। आप ये जानकर दंग रह जाएगी कि वैज्ञानिकों के अनुसार 10 सेकंड की किस में 8 करोड़ बैक्टीरिया एक दूसरे से शेयर होते हैं। विज्ञान कहता है कि इससे कई फायदे भी है और नुकसान भी। चुंबन से इतने बैक्टीरिया के आदान प्रदान के बावजूद हाथ मिलाने से बीमार होने की संभावना ज़्यादा है। किसिंग के पीछे का विज्ञान कहता है कि भले ही इस काम में बैक्टीरिया का लेना देना हो जाए, लेकिन ये दोनों के लिए फायदेमंद है। प्यार का जुड़ाव होठों से ही शुरू होता है। बचपन में माँ का दूध या बॉटल से दूध पीते हुए बच्चा अपने होठ का जिस तरह इस्तेमाल करता है, वो किसिंग से काफ़ी मिलता जुलता है। ये बच्चे के दिमाग में न्यूरल नसों से जुड़ा रास्ता तैयार करता है, जो किसिंग को लेकर मन में सकारात्मक भाव पैदा करती है। गौरतलब है कि होठ शरीर का सबसे एक्सपोज हिस्सा है, जो इंसान के भीतर कामुकता जगाता है। इंसान के होठ बाकी जानवरों से अलग बाहर की ओर निकले हुए हैं। आप शायद ही जानते हो कि होठों में संवेदनशील नसों की भरमार है, तभी उसका जरा सा छूना भी हमारे दिमाग तक सिग्नल पहुंचाता है और हम अच्छा महसूस करते हैं। चुंबन हमारे दिमाग के एक बड़े हिस्से को सक्रिय कर देता है। इससे अचानक ही हमारा दिमाग एक्टिव होकर काम पर लग जाता है। यह सोचने लगता है कि आगे क्या हो सकता है। इसका असर कुछ इस तरह होता है कि हमारे शरीर के हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर धीरनी की तरह घूमने लगते हैं। हमारी सोच और इमोशन पर इसका असर पड़ना शुरू हो जाते हैं। जब दो होठ मिलते हैं तो औसतः 9 मिलीग्राम पानी, 7 मिलीग्राम प्रोटीन, 18 मिलीग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, 71 मिलीग्राम अलग अलग तरह के फैट्स और 45 मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड का आदान प्रदान होता है। किसिंग कैलोरी को बर्न करने का भी काम करती है। किस करने वाला जोड़ा 2 से 26 कैलोरीज प्रति मिनट खर्च करता है और इस सुख को महसूस करने के दौरान करीब 30 अलग तरह की मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ किस। रिश्ता बने मजबूत। किस करने को सुखदायी एक्टिविटी माना जाता है। ये शारीरिक संबंधों के लिए भी आवश्यक है। प्यार और साथ को बनाए रखने में मददगार है। तनाव कम करता है। किस करने से दिमाग में ऐसे केमिकल निकलते हैं जो दिमाग को शांत करते हैं। इससे तनाव कम होता है और दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। मेटाबॉलिज्म। किस करने से कैलोरी बर्न होती है, जिससे मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिलता है। मुंह रहे सेहतमंद। हमारे मुंह की लार में बैक्टीरिया, वायरस आदि से लड़ने वाले पदार्थ होते हैं, इसलिए किस करने से हमारा मुंह, दांत और मसूड़े सेहतमंद बने रहते हैं। इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अपने साथी के मुंह में रहने वाले कीटाणुओं के संपर्क में आने से हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। किस करने से जितने फायदे है, उस तरह किस करने के कुछ नुकसान भी है। किस करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इससे कुछ बीमारियाँ आसानी से फैल सकती है। गले और नाक से निकले ड्रॉपलेट से कुछ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट हवा में भी होते हैं। जब संक्रमित ड्रॉपलेट को आप सांस के माध्यम से अंदर ले जाते हैं तो आप बीमार हो सकते हैं। नाक और गले से कुछ संक्रमित कण अपने छोटे आकार के कारण लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं। उन्हें ड्रॉपलेट न्यूक्लेई कहा जाता है, जो सीधे फेफड़ों में प्रवेश कर बीमारी का कारण बन सकते हैं। इससे कई तरह के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं।